स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में पेश होने के बाद, चाहे वो गवाह के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, अगर वह कोर्ट में पेश होता है और वहाँ शपथ लेने के बाद अगर वह लिखित या मौखिक रूप में कोई झूठी गवाही देता है या फिर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके उन्हें पेश करता है, तो आज हम समझेंगे कि ऐसे में उस व्यक्ति को क्या सजा मिल सकती है। यानी आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 191 से लेकर 193 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉल्स एविडेंस होते क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं, आईपीसी की धारा 191 सेक्शन 191 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शपथ लेकर अपनी कोई बात कोर्ट के सामने पेश करता है, तो वो ऐसा करने के लिए यानी सच बोलने के लिए वहाँ लीगली रूप से बाउंड हो जाता है, कानूनी रूप से बाध्य होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर वो शपथ नहीं लेता तो वो केवल एक सूचना दे रहा है कोर्ट को, एविडेंस नहीं। यहाँ शपथ यानी ओथ लेना जरूरी है। यानी अगर कोई व्यक्ति ओथ के द्वारा या लॉ के किसी भी प्रोविजन के द्वारा सच बोलने के लिए बाध्य है और ऐसे में अगर वह जानबूझकर झूठ बोलता है या फिर अपना कोई झूठा बयान लिखित में देता है, तो वो इस धारा यानी धारा 191 के तहत फॉल्स एविडेंस दे रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, एश कोर्ट में शपथ खाकर कहता है कि ये जो हैंडराइटिंग है वो जेड की है, लेकिन ए जानता है कि वो हैंडराइटिंग जेड की है या नहीं, ये बात का उसे नहीं पता है, यानी वो झूठ बोलता है। तो ऐसे में वो इस धारा के तहत फॉल्स एविडेंस कोर्ट को दे रहा है। एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ए कोर्ट के सामने पेश होकर शपथ खाकर ये बयान देता है कि जेड उस दिन उस पर्टिकुलर जगह पर ही था, जो कि वो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसे में ए फॉल्स एविडेंस दे रहा है कोर्ट को। तो चलिए अब समझते हैं कि फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करना क्या होता है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां, ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा करता है या कोई भी झूठी एंट्री करता है किसी भी रिकॉर्ड बुक में या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आदि में, जिसका उसे पता है कि वो इसे आगे जाकर कोर्ट की प्रोसीडिंग या पब्लिक सर्वेंट आदि के सामने सबूत के तौर पर यूज करेगा, तो उसे आईपीसी की धारा 192 के तहत फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस कहा जाएगा, झूठे सबूतों को गढ़ना कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, ए ने जानबूझकर जेड के बॉक्स में कुछ जेवरात डाल दिए ताकि जब चोर को ढूंढा जाए तो जेड के पास वो जेवरात बरामद हो, तो इसे फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस कहा जाएगा। एक और एग्जांपल से इसे समझे तो, ए जानबूझकर अपनी शॉप बुक में कुछ झूठी एंट्रीज करता है ताकि उसे वह आगे कोरोबोरेटिव एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर सके, तो यहाँ जो ए है वो फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करता है, यानी झूठे सबूतों को तैयार कर रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस तरह झूठी गवाही देना या झूठे सबूत तैयार करने की क्या सजा होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं, आईपीसी की धारा 193 सेक्शन 193 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठी गवाही देता है या झूठे सबूत तैयार करता है ताकि वह कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसको यूज कर सके, तो उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। और इसी सेक्शन का दूसरा जो पैरा है वो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस देता है या उन्हें फैब्रिकेट करता है किसी और केस में यूज करने के लिए, एनी अदर केस में उसे यूज करता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है, जो कि एक नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल ऑफेंस है। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। तो कानूनी टॉपिक से जुड़ी कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।